सर आपकी तो शाहिद भाई से भी बहुत अच्छी दोस्ती है, और आप कई इंटरव्यू में देख रहा था कि उसमें बताया कि आपने ही शाहिद भाई की जो शादी की खबर थी वो ब्रेक करी थी, तो उसमें तो शाहिद भाई नाराज भी हो गए थे। जी हाँ, ये गालिबन 97 या 98 की बात है। उसमें जाहिर है शाहिद आफरीदी बहुत बड़े सुपरस्टार थे और ख्वातीन में बेहद मकबूल थे। तो ये मैंने बल्कि शाहिन आफरीदी को ये बात बताई, तो शाहिन कहने लगा कि माजिद भाई मेरी शादी की खबर आपने देनी नहीं है। मैंने कहा यार तुम्हारी शादी छोड़ो, तुम्हारे ससुर की जो शादी की खबर थी वो भी मैंने दी थी। फिर जब जिस दिन शाहिन दूल्हा बने हुए थे और मैं स्टेज पे गया, तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा देखे भाई ये शायद यहाँ पे नजर आ रहे हैं, तो इनकी शादी की खबर भी मैंने ही ब्रेक की थी। तो शाहिन ने, मेरी वाइफ भी आई हुई थी, तो शाहिन ने कहा कि माजिद भाई कोशिश कीजिएगा कि हमारी जो खवातीन की वीडियो है वो बाहर वायरल ना हो। मैंने कहा नहीं, हमारा तो शाहिद के साथ फैमिली ताल्लुकात है, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। लेकिन वही हुआ कि एक फॉर्मर कप्तान की बेगम अंदर थी, उन्होंने जो वीडियो बनाई वो वीडियो थोड़ी देर बाद उन्होंने वायरल कर दी। और लेकिन शायद से बहरहाल भाइयों वाली दोस्ती है, उनकी फैमिली में आना जाना, फैमिली की शादियों में शिरकत करना। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो जितना बड़ा क्रिकेटर है नकी, उससे बड़ा इंसान है। ऐसे क्रिकेटर कम कम होते हैं जो इस तरह बड़ों की इज्जत करते हैं और बड़ों को रिस्पेक्ट देते हैं। मेरे ख्याल में मिसाली क्रिकेटर हैं। लेकिन हम जो काम करते हैं, जिस तरह मैंने पहले कहा, थैंकलेस जॉब है। एक छोटी सी खबर लोगों को नाराज कर देती है, लेकिन शाहिद आफरीदी उन लोगों में से नहीं है। अगर उनको कुछ चीज आपकी गलत लगती है, नागवार गुजरती है, तो आपके मुंह पर कह देंगे कि आपने ये गलत काम किया है। तो ऐसे लोग क्रिकेट में कम कम है।